संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद कर रहे हैं सर अच्छे से आप होली मना रहे होंगे। सर जरा बताइएगा, बाजार इस समय अच्छी रिकवरी करके बैठा हुआ है, आगे की दिशा कैसे होगी सर? आपको भी और सारी टीम को और सारे व्यूअर्स को हैप्पी होली। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एनएससी को तो यही नहीं पता होली किस दिन है। मुंबई में कल मना दी और नॉर्थ में तो आ जाए, लेकिन हम तो दफ्तर में बैठे हैं। तो कभी सोचा करिए कि दुनिया जहां भी है, और सिर्फ टाइमिंग बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता। आप लंच ब्रेक दीजिए या कुछ दीजिए या छुट्टी का तो मनाओ कीजिए। आज हमें तो दफ्तर बैठना पड़ रहा है क्योंकि शेयर बाजार है और लोगों का नफा नुकसान होएगा, तो डिम्पी जी हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सर, मैं इससे आप नहीं मानेंगे सर, मैं भी ऑफिस में ही हूँ आज। आज हमें भी होली खेलनी थी, लेकिन आज सुबह सुबह हमको भी ऑफिस में आना पड़ा, क्योंकि ये जो 7 और 8 तारीख का जो पशुपेश फंसा ना, ये बहुत बुरा वाला फंसा। बट एनी हाउ सर, अब आप ऑफिस आ ही गए हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो जरा बताई दीजिए सर फिर। सर तो मैं तो बुलिश हूँ, और ये मैं आपको कह सकता हूँ, आज 8 तारीख है ना, 15 तारीख को शेयर बाजार 18,000 के ऊपर होगा। अब आप उसमें 2-3 वेट करें या फेड की मूव का वेट करें, वो आपकी इच्छा है, लेने की चेष्टा कीजिए। दिस इज द मार्केट विच हैज टर्न्ड फ्रॉम द बॉटम, एंड ऑल दो सूट शेयर्स ऑफ 16,800 विल बी लेफ्ट बिहाइंड। पहले 18,000 जाएगी, फिर करेक्शन देखेंगे, और वो भी कोई करेक्शन मुझे ज्यादा लगता नहीं। सारे फैक्टर्स प्राइस इन हो गए, अडानी हो गया, सोरोस हो गया, फेड हो गया, अब कोई रह तो नहीं गया। और इंडिया में तो आउट परफॉर्मेंस दिख ही रहा है आपको। लुक एट द नेम्स ऑफ एलएनटी, कमिंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और द कैपेक्स स्टॉक। आपके यहाँ गेल बहुत जोर से कहा था, 195-196 में देखिए न्यू हाई पे है। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। संजीव जी बताएं अपनी पिक्स बताएं। मॉर्निंग पहले आज तो लीजिए दोनों डिफेंस स्टॉक्स। मुझे बीएल पे मेरी जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुई, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और बीएल कह रहे हैं दिस फॉल इन कॉपर एंड अदर प्राइसेस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, देयर मार्जिंस विल कम एट द हाईएस्ट एवर इन द कमिंग क्वार्टर। तो 94-95 पे बीएल लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 91.50, 105 का टारगेट ऑन बीएल। सिमिलरली आज जबकि बढ़ के खुला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, अगर डिक्लाइन पे मिले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मस्ट बी एडेड। डिफेंस में दे आर गेटिंग द लार्जेस्ट बुक एवर, और ये मैं शेयर 1200-1300 से कहता हूँ, अभी भी ये 3000 का टारगेट है। स्टॉप लॉस ऑफ टूडेज लो ऑफ 2703, टारगेट ऑफ 3000 ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक। यू कैन बाय ऑन डिक्लाइंस और बाय सम नाउ इन वेट फॉर इट। एंड थर्ड इज द बिगेस्ट गेनर और द बेस्ट रिजल्ट विच आई सॉ इन कैपेक्स स्टॉक्स इज कमिंस। 1620 पे लीजिए, 25-30 में कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1590, 1700 इज कमिंग ऑन कमिंस। आर्ग्यूबली द बेस्ट ऑर्डर बुक and the best results margins were on coming, so three picks are going to be out performers.